हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन सिग्नल ऐप आईडी कैसे जनरेट करते हैं। तो वन सिग्नल ऐप आईडी को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं जल्दी से अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर सर्च कर देता हूँ फायरबेस। तो जैसे हम फायरबेस सर्च कर देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लिंक आ जाएगी आपके सामने, https://firebase.google.com। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फायरबेस का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जल्दी से जाना है एंड कोई भी जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ से जीमेल आईडी को चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जीमेल में लॉगिन कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ गो टू कंसोल में। तो जैसे हम गो टू कंसोल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंटर यूअर प्रोजेक्ट नेम। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ गूगल मैप। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है एंड इसको स्क्रॉल करना है एंड अगेन कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट एंड अकाउंट में आपको डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस पे सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है क्रिएटिंग यूअर प्रोजेक्ट, प्लीज वेट। जब तक हमारा प्रोग्रेस बार फिनिश नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा कम्प्लीटली प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैं अभी कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं ये जो एंड्रॉयड का सिंबल दिखाई दे रहा है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर हमें पैकेज नेम को पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से पैकेज नेम को कॉपी कर लेता हूँ एंड ब्राउज़र में आ जाते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पैकेज नेम को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपको कोई भी ऐप नेम दे देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ गूगल मैप। इसके बाद आपको रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन फाइल। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे हम डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी गूगल सर्विस जेसन फाइल डाउनलोड हो रही है। तो आप देख सकते हो ये हमारी डाउनलोड हो चुके है। तो आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अगेन आपको नेक्स्ट कर देना है एंड कंटिन्यू टू कंसोल यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये होने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है एंड जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की थी उसको कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे दो दो गूगल सर्विस जेसन है तो मैं जो पहले की थी सर्विस उसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको एडिट कर देता हूँ मैं गूगल सर्विस नेम को। यहाँ पे वन शो हो रहा है इसलिए एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड एंड्रॉयड में जाके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ऐप को ओपन कर देना है एंड ऐप में जो भी आपने सर्विस जेसन फाइल कॉपी की थी इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो मैं ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा होगा गूगल सर्विस जेसन। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है फायरबेस का। तो अभी हमें क्या करना होगा, वन सिग्नल यहाँ पे टाइप करना होगा गूगल सर्च में। तो मैं टाइप कर देता हूँ यानी यहाँ से आपको जैसे वन सिग्नल दिखेंगे आपको वहां से एंटर कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है पुश नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम होम पेज में आ चुके हैं वन सिग्नल के। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको साइन अप करना है। तो मैं साइन अप कर देता हूँ जल्दी से। तो आप देख सकते हो अभी हम इस पेज में आ चुके हैं। तो आपको किसी भी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर देना है। तो मैं गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप किया तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, विच कैटेगरी इज बेस्ट डिस्क्राइब योर रोल। तो मैं डेवलपर इंजीनियरिंग कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं एजुकेशन कर देता हूँ। इसके बाद व्हाट डू यू प्राइमरी वांट टू बी यूज वन सिग्नल, तो सेंड नोटिफिकेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे हमने लॉगिन कर दिया है तो हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ न्यू ऐप एंड जैसे हम न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम यूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ से गूगल एम के नेम से ऐप का नेम दे देता हूँ एंड गूगल एंड्रॉयड पे आपको सिलेक्ट कर देना है
एंड क्लिक कर देना है नेक्स्ट कॉन्फिगरिंग योर प्रोजेक्ट। इसके बाद यहाँ पे फायरबेस सर्वर की एंटर करने के लिए बोल रहा है एंड यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट आईडी या फिर सेंडर आईडी एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फायरबेस में जाना होगा एंड यहाँ पे जो हमने सेटअप किया है वही प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाना है आपको एंड प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम प्रोजेक्ट सेटिंग पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो आपको क्लाउड मैसेजिंग पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंडर आईडी शो हो रही होगी, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ सेंडर आईडी को एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग एपीआई जो डिसेबल है इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड मैनेज एपीआई पे मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया तो हमारे सामने गूगल क्लाउड कंसोल का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है क्लाउड मैसेजिंग, तो मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनेबल हो चुका है। तो अभी मैं गूगल मैप पे अगेन चला जाता हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनेबल हो चुका है एंड जो हमारी सर्वर की है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। आप सेंडर आईडी यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से कॉपी की है एंड अभी मैं सर्वर की को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी होने के बाद इसको कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आपको कोई भी SDK सिलेक्ट करना है, तो मैं नेटिव एंड्रॉयड पे क्लिक कर देता हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है इंस्टॉल द SDK टेस्ट फॉर सब्सक्राइबर यूजर। तो इसको मैं बस डन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली जो भी सेटअप था वो वर्क हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, की एंड आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं कीज एंड आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वन सिग्नल ऐप आईडी वो जनरेट हो चुकी है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, नोटपैड में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप वन सिग्नल ऐप आईडी को क्रिएट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो आई होप गाइस अभी कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा वन सिग्नल ऐप आईडी कैसे क्रिएट करते हैं एंड इसको कैसे सेटअप करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।